आइए आज के इस क्लास से हम लोग शुरुआत करें रिडॉक्स रिएक्शंस का। तो रिडॉक्स वर्ड जो है वो दो शब्दों से बना हुआ है। रिडॉक्स इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, दो शब्दों से बना है। पहला शब्द है रिडक्शन और दूसरा शब्द है ऑक्सीडेशन। रिडॉक्स वर्ड दो शब्दों से बना हुआ है, एक शब्द है रिडक्शन, दूसरा शब्द है ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को हम लोग कई तरह से डिफाइन करेंगे, पुराना डिफिनेशन, नया डिफिनेशन वगैरह करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग संक्षेप में ये समझ लें कि रिडक्शन का मतलब होता है वह प्रोसेस जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से संबंध रखता है, द प्रोसेस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। उसका उल्टा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। अब दोनों को जोड़ दिए तो क्या हो गया, रिडॉक्स। रिडॉक्स रिएक्शंस आर द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। आप PDF से लिख चुके होंगे, वर्ड्स कुछ ना कुछ डिफर करेगा वीडियो में और PDF में, लेकिन थीम वही रहेगा। तो रिडक्शन किसको कहते हैं, रिडक्शन मीन्स द प्रोसेस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन का मीनिंग हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन का मीनिंग हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का। इसलिए रिडॉक्स रिएक्शंस को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस वैसे केमिकल रिएक्शंस को कहेंगे जिसमें शामिल हो लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। तो रिडॉक्स रिएक्शंस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शंस इंप्लाइज दैट द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग, जिसमें शामिल हो लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज ट्रांसफर ऑफ
इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, वैसे केमिकल रिएक्शंस जिसमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो, ट्रांसफर हो, वैसे केमिकल रिएक्शंस को हम लोग कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस। अब रिडॉक्स रिएक्शंस को पढ़ने से में सबसे शुरुआत में हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहा जाता है। जब आप पी ब्लॉक या एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ते हैं तो बार बार चर्चा में आता है ऑक्सीडेशन स्टेट, कि वही ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम लोग पहले इस ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन करें और उसको हम निर्धारित करने के लिए उन कुछ बातों को, कुछ रूल्स को याद रखना होगा, उस पर डिस्कस कर लें और तब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अलग अलग डिफाइन करेंगे। तो पहला पार्ट ऑक्सीडेशन नंबर, शॉर्ट में हम लोग क्या कहेंगे, ON। इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट OS। तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एलिमेंट का क्या बतलाता है, कि उसका एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन्स लॉस किया है या गेन किया है। आइए हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर टॉपिक को डिस्कस करें। सबसे पहले हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस करें तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इज अ नंबर व्हिच डिनोट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड, लॉस्ट और गेन्ड पर एटम ऑफ द एलिमेंट, पर एटम ऑफ द एलिमेंट, किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर वह नंबर है जो बताता है कि उसका एक एटम कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों का लॉस या गेन किया है, उसके एक एटम के द्वारा कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों का लॉस या गेन हुआ है, उसको व्यक्त करता है उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर। अब लॉस और गेन क्या हो गया, दो विपरीत प्रतिक्रियाएं होगी, दो विपरीत एक्शन हो गया। लॉस का मतलब एटम से इलेक्ट्रॉन का बाहर जाना, और गेन का मतलब बाहर से इलेक्ट्रॉन एटम के द्वारा प्राप्त करना। जब दो विपरीत डायरेक्शन हो गया तो एक को हम लोग पॉजिटिव से और एक को निगेटिव से डिनोट करेंगे। इसलिए अगली बात कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट
मे बी पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो। हम लोग क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट मे बी पॉजिटिव, मे बी पॉजिटिव, जिसको हम लोग आगे लिखेंगे प्लस भी ई से, और निगेटिव जिसको लिखेंगे हम लोग माइनस भी ई से, और जीरो। ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट का पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, या जीरो हो सकता है। तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर क्या इंडिकेट करेगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट पर एटम, उसके एक एटम, उस एलिमेंट के एक एटम के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया गया है। निगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर गेन को व्यक्त करेगा। निगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर इंप्लाइज दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड पर एटम उस एलिमेंट के द्वारा, उस एलिमेंट के एक एटम के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉनों का गेन किया गया है, इसको बताएगा निगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। और जीरो ऑक्सीडेशन नंबर क्या बताएगा, नाइदर लॉस नॉर गेन। जीरो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या हुआ कि उस एलिमेंट के एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का लॉस और गेन नहीं किया गया है। जीरो ऑक्सीडेशन नंबर इंप्लाइज दैट, जीरो ऑक्सीडेशन नंबर इंप्लाइज दैट नो नाइदर लॉस नॉर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब आइए हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर जो निर्धारित करेंगे। अभी तक हम लोग क्या समझे, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा कि जीरो होगा, ये भी समझ लिए। एक बात यहां और समझ लें, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट मे बी होल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर, पूर्णांक भी संभव है, होल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर, भिन्नांक भी संभव है। आप कहिएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्नांक में कैसे होगा, फ्रैक्शनल में कैसे होगा। मान लीजिए मार्केट में 2.5 रुपये का नोट नहीं होता है, लेकिन अगर 5 रुपये का नोट किसी दो व्यक्ति को एक साथ, एक ही 5 रुपये का नोट किसी दो व्यक्ति को एक साथ दिखाई पड़े या मिले, तो पर पर्सन कितना हो गया, 2.5। तो नोट 2.5 का नहीं आता है, लेकिन पर पर्सन गेन कितना हो गया, 2.5 से फ्रैक्शनल नंबर भी
हो सकता है। अब आइए और उसके आगे बात करें, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फ्री स्टेट, फ्री मतलब जब वह किसी से कंबाइन नहीं किया है, मतलब कंपाउंड नहीं बनाया है, मतलब एटमिक स्टेट है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट मतलब स्वतंत्र अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था का मतलब एटॉमिक स्टेट, जब वह किसी से कंबाइन नहीं किया है तो ये जीरो के बराबर होगा, क्योंकि जब वह कंबाइन नहीं किया है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन या शेयर नहीं किया है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज जीरो, एटॉमिक स्टेट को कहेंगे फ्री स्टेट। अगला बात, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन होमो मॉलिक्यूल, होमो मॉलिक्यूल का मतलब जब अपने ही एटम से बना हुआ हो, इन होमो मॉलिक्यूल, तो होमो मॉलिक्यूल में भी ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट का जीरो होगा। जैसे मान लो हाइड्रोजन H2 बनाता है, दो एटम हाइड्रोजन मिला, तो जब एक ही एलिमेंट के एटम्स मिलते हैं जैसे N2, जैसे P4, जैसे S8, एक ही एलिमेंट के एटम्स जब कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वैसे मॉलिक्यूल को कहेंगे होमो मॉलिक्यूल्स, जब डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स मिलेंगे तो कहेंगे हेटरो मॉलिक्यूल या कंपाउंड मॉलिक्यूल। तो होमो मॉलिक्यूलर स्टेट में क्या होगा, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा। किसी कंपाउंड मॉलिक्यूल में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर निगेटिव होगा। इन ए कंपाउंड मॉलिक्यूल, इन अ कंपाउंड या इन ए कंपाउंड मॉलिक्यूल मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ज्यादा विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट हैज निगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाइल लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, जो कम विद्युत ऋणात्मक होगा एलिमेंट हैज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी कंपाउंड मॉलिक्यूल में जो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर निगेटिव होगा, और जो कम विद्युत ऋणात्मक होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होगा। अब पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीडेशन नंबर माने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर कैसे जानेंगे, तो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज का कंसेप्ट आपको है, वेरिएशन अलोंग पीरियड अलोंग ग्रुप, इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान बढ़ता है। जब हम लोग पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी देखते हैं, आवर्त सारणी में एलिमेंट्स को दो तरह से अरेंज किया गया है, अलोंग पीरियड अलोंग ग्रुप, जो वर्टिकल अरेंजमेंट है उसको ग्रुप,
और जो हॉरिजेंटल है एलिमेंट उसको कहते हैं पीरियड। किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करेगा। और इन ए ग्रुप जब हम वर्टिकल में आते हैं तो इन ए ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब हम डाउनवर्ड जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटता है। अब आइए डिफरेंट एलिमेंट्स मिल करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। सेम एलिमेंट के एटम्स मिलके बनाता है होमो मॉलिक्यूल। अब डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स मिलके बनाते हैं कंपाउंड मॉलिक्यूल। लेकिन कंपाउंड मॉलिक्यूल में भी समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट बराबर क्या होगा? जीरो। किसी भी सिस्टम में लॉस और गेन का समेशन जीरो। तो क्या कहेंगे? द समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज जीरो। द समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल बराबर जीरो। ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग डिफाइन पर एटम में करेंगे, लेकिन हम लोग कंसेप्ट रख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल, ओवरऑल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा, चाहे वह होमो एटॉमिक हो चाहे वह कंपाउंड मॉलिक्यूल हो हेट्रो एटॉमिक हो। ओवरऑल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। लेकिन द समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एन आयन बराबर होगा चार्ज ऑन द आयन। इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन को हम लोग कहेंगे चार्ज ऑन द आयन, जो फाइनली चार्ज होगा पॉजिटिव या निगेटिव उसके बराबर। अब आइए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट मे बी जीरो ऑल्सो इन ए कंपाउंड। कहेगा क्यों ऐसा? देखो भाई, आजकल बड़ा डिस्कशन चल रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन का। ऑफलाइन में पूछ सकते हैं, ऑनलाइन में नहीं पूछ पाते हैं। लेकिन क्या 2010 में कुछ ऑफलाइन ऑनलाइन का चर्चा था? नहीं। पासिंग परसेंटेज झारखंड में साइंस में 21% लोग ही पास थे साइंस में, मतलब 79% फेल। तो क्लास में रहते हुए भी लोग नहीं पढ़ सकता है। ठीक उसी तरह से कह रहे हैं
कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट मे बी जीरो ऑल्सो, जीरो ही होगा सो नहीं, जीरो भी हो सकता है इन ए कंपाउंड। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट मे बी जीरो ऑल्सो, जीरो भी हो सकता है इन ए कंपाउंड। आगे जब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर का भी प्रैक्टिस करेंगे निकालने का, उस समय ढेर सारे ऐसे एग्जांपल्स आएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट मे बी जीरो ऑल्सो इन ए कंपाउंड। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट मे बी जीरो ऑल्सो इन अ कंपाउंड। फ्री स्टेट में जीरो होगा, होमो मॉलिक्यूल में जीरो होगा, और ऐसा भी संभव है कि किसी कंपाउंड मॉलिक्यूल में रहते के बाद भी किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो हो। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड स्टेट में, द मोस्ट कॉमन मतलब जो ज्यादातर लागू होगा, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन कंपाउंड्स में प्लस वन, वह एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। लेकिन एक्सेप्शन, इन मेटल हाइड्राइड्स जब वह मेटल के साथ हाइड्रोजन संयोग करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बराबर होगा माइनस वन। कहने का मतलब, जब हाइड्रोजन नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन करेगा तो प्लस वन, और मेटल के साथ कंबाइन करेगा तो माइनस वन। नॉन मेटल्स के साथ हाइड्रोजन जैसे NH3, CH4, तो ये सब में प्लस वन, लेकिन LiH, CaH2 जब वह मेटल के साथ कंबाइन करेगा तो माइनस वन। आगे देखें, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड्स, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड्स माइनस टू। लेकिन अपवाद, ऑक्सीजन ज्यादातर कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू शो करेगा, मतलब वह दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा पर एटम। लेकिन एक्सेप्शन, अब एक्सेप्शन के लिए कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स, किस तरह कंपाउंड रहेगा और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा। तो नॉर्मली इसका कितना होगा, माइनस टू। लेकिन अगर पर ऑक्साइड बनाएगा, जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड, तो माइनस वन। अगर सुपर ऑक्साइड, जिसको पहले सब ऑक्साइड भी कहते थे, तो
माइनस वन बाई टू फ्रैक्शनल नंबर, जब वह फ्लोरीन के साथ बनाएगा कंपाउंड ओ एफ टू तो प्लस टू, ओ टू एफ टू तो प्लस वन। ऑक्सीजन का ज्यादातर कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू, लेकिन फ्लोरीन के साथ होने पर प्लस में होगा, और पर ऑक्साइड में माइनस वन, सुपर ऑक्साइड में माइनस वन बाई टू। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा, कंपाउंड में फ्री स्टेट में जीरो, लेकिन कंपाउंड जब बनाएगा तो क्या होगा, माइनस वन, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन एफ इन इट्स कंपाउंड्स, उसके कंपाउंड्स में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-7, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और माइनस ही हमेशा क्यों रहेगा, क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट आपको नोन हैं उसमें सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, तो किसी के साथ भी रहेगा तो पहले क्या पढ़े हैं कि जो ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा उसका निगेटिव। अब आगे देखें कि मेटल्स का क्या होगा, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी निगेटिव नहीं होगा। नॉन मेटल के केस में क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट्स, मतलब अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। फ्लोरीन के केस में चूंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है इसलिए उसका निगेटिव ही हो सकता है, तो बाकी नॉन मेटल्स का क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए मेटल इज नेवर निगेटिव। मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी निगेटिव नहीं होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नॉन मेटल मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, जीरो की बात पहले कर चुके हैं, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। उस कंपाउंड में जो बाकी एलिमेंट के एटम्स हैं उनके नेचर पर डिपेंड करेगा कि यह पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, लेकिन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी निगेटिव में नहीं होगा। अब इससे रिलेटेड और भी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का उसमें उस एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा के संख्या से ज्यादा नहीं हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट मे नॉट बी मोर देन इट्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स,
उसकी संख्या को कहेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन यहां भी एक्सेप्शन, तीन मेटल्स हैं जिसका जो एक्सेप्शन शो करते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन नंबर, कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड, इनको कलेक्टिवली हम लोग क्वाइनेज मेटल्स कहते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल पहले क्वाइंस बनाने में होता था। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक, ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन प्लस टू, सिल्वर का प्लस वन और प्लस टू, हालांकि प्लस टू रेयर है, प्लस वन और प्लस थ्री, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें, ऑक्सीडेशन नंबर किसको कहते हैं, किस अवस्था में ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा और फ्री स्टेट या एटॉमिक स्टेट में किसी भी एलिमेंट का जीरो होगा। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उसका निगेटिव होगा, कंपाउंड में जो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उसका पॉजिटिव होगा। मॉलिक्यूल में पूरे जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे सबके ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन जीरो होगा, मतलब ओवरऑल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा। आयन में समेशन चार्ज ऑन द आयन के बराबर होगा। कुछ और बातों को हम लोग अगले क्लास में डिस्कस